अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबहल पर यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल बोझ की दिलशाद का लास्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है अंजाम, आज की वीडियो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, प्रेडिक्ट करने वाले हैं, पेशगोई करने वाले हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों ने हमें ये भी बताना है महाजहीन और इसके अलावा और कौन सा करेक्टर है जिसका आप लोग जो है लास्ट एपिसोड में अंजाम देखना चाह रहे हो, आप लोग हमें ज़रूर से कमेंट्स में बता दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो बोझ ड्रामे में कि नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा नाज़रीन यहाँ पर जो है अभी दिलशाद तो जुल्म सतम कर रही है अमल पे, लेकिन नाजरीन उसके कहीं ना कहीं दिल पे जो है वो रहम है, लेकिन नाजरीन यहाँ पर बाकी जहीन और महा तो उसे मार ही देना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये रोकती तो रहेगी और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता डोज देती रहेगी अमल को। लेकिन नाजरीन यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ये कहेगी कि तुम जो है जहीन इसे आज़ाद कर दो या कुछ भी इस तरह का जो है हम लोगों को सीन देखने को मिल सकता, उससे पहले ये भी हो सकता है कि जहीन ने कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया हो और जिसके बाद यहाँ पर ये जो है माँ बनने वाली हो जाए, जिसके बाद नाजरीन यहां पर ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगी कि आखिर यहां पर ये हमारे साथ हो क्या गया। और इसके साथ साथ नाजरीन वहां भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और नाजरीन यहां पर ये सब लोग जो मिलके यहां पर इसके जो है बच्चे को मारने की कोशिश में जुट जाएंगे कि यहां पर ये बच्चा नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। और इसके साथ साथ यहां पर जहीन को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसे ये गलती ही लगेगी, जिसके बाद यहां पर ये लोग प्लान करके यहां पर किसी न किसी तरीके से यहां पर गिरा सकते हैं और यहाँ पर इस बच्चे को दुनिया से आने से रोक सकती हैं। और इसके बाद नाजरीन आप लोग आने वाले एपिसोड में ये भी देखने वाले हो, इसके बाद नाजरीन आप लोग ये भी देखोगे कि यहाँ पर काफी ज्यादा जो है नाजरीन जहीन के पास जैसे ही ये प्रॉपर्टी वगैरह जो है आती गई तो यहाँ पर अपनी माँ से भी दूर होने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, उनकी कोई भी बात नहीं मानेगा, उन्हें जो है टके टके के लिए मोहताज कर देगा। और इसके साथ साथ ये भी दिखाया जा सकता है कि हानिया भी उधर से माँ बन जाए और जिसके बाद यहाँ पर काफी ज्यादा उसके साथ भी ये जो है वो डिफिकल्टीज हों, खुद ब खुद ही होती जाए, जिसके बाद नजरीन वो रोते धोते घर आए, यहाँ पर सारी की सारी बातें अपनी माँ को बताई, जिसके बाद नजरीन इसकी माँ जो है एक तो इधर से परेशान जहीन की वजह से और इधर अपनी बेटी की वजह से परेशान, जिसकी वजह से यहाँ पर शायद इसके साथ और भी काफ़ी ज़्यादा ट्रामाज वगैरह हों, जिसके बाद यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा रोने धोने शुरू हो जाए, यहाँ पर एक हिसाब से यहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा जो है दिमाग घूम जाए और यहाँ पर ये अमल के पाँव में गिर जाए और कहे मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, जिसके बाद नजरीन अमल तो इसे माफ़ कर ही देगी। तो इसी तरह दिखाया जा सकता है। आप लोगों को लगता है ये थी हमारे प्रेडिक्शन, डॉक्टर बफरन अल हाफिज़।